हेलो एंड वेलकम बैक टू द फुटबॉल पार्लियामेंट। तो रिसेंट न्यूज़ जो सजेस्ट कर रही है अराउंड पीएसजी, दे सजेस्ट दैट पोचेटिनो को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है फ्रॉम द पीएसजी बोर्ड दैट ही विल हैव टू लीव एट द एंड ऑफ द सीजन। सो टुडे विद मी आई हैव पलाश। पलाश, व्हाट डू यू थिंक कि ये न्यूज़ के बारे में क्या मतलब, पोचेटिनो ने क्या एक्चुअली डिजर्व करता है दिस सैकिंग? इसको सैकिंग ही कहूंगा बिकॉज उसको निकाला जा रहा है बी एट द एंड ऑफ द सीजन या फिर अभी। So, what do you feel about this? नहीं, आई थिंक ये कहना कि ये अनडिजर्व रहेगा विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर्स जिसके साथ वो ऑपरेट कर रहा है. अभी कोई पीएसजी का वक्त नहीं बाकी है आई से, बिकॉज अभी रियल मैड्रिड के मैच में भी एवरीवन इज कंसिडरिंग रियल मैड्रिड एज द फेवरेट्स. बट तुम समर की याद करने की कोशिश करो, पीएसजी वाज दिस न्यू गैलेक्टिकोस ड्रीम स्क्वाड, बेस्ट टीम इन फुटबॉल हिस्ट्री, ऐसा सब हो चुका था. एंड ever since Maurizio Pochettino has taken over from Thomas Tuchel last summer, 6 competition खेला है वो, जिसमें से 4 से वो नॉकआउट हो चुका है. लास्ट सीजन वो लीगन टाइटल लूज किया लिल, तो मतलब एंड लीगन एंड लीगन भी पीएसजी. ऐसा ऐसा टाइटल है जो मतलब यू डिजर्व टू हाँ विन, मतलब ऐसी पीएचजी स्क्वाड के साथ यू कैन नॉट गो रॉन्ग। जब वो साइन हुआ था तो डेफिनेटली. देवर 2 पॉइंट्स बैक या 1 पॉइंट बिहाइंड एंड एट द एंड ऑफ द सीजन भी वो पीछे ही थे उससे। या डेफिनेटली. उसमें ऐसा भी नहीं है कि लिल हैड अ यू नो फ्लॉलेस रन, ऐसा डेफिनेटली नहीं है. तो या इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक या तो मतलब लीगन नहीं जीतना बड़ी बात थी. देन चैंपियंस लीग इज वन ऑफ द सोल मोटिव्स ऑफ पेरिस सैन जर्मेन नाउ, वन ऑफ द मेन मोटिव्स, बिकॉज कभी जीते नहीं है. एंड ऑब्वियसली इतना सारा इन्वेस्ट करने के बाद एनी ओनर वुड वॉन्ट द बिगेस्ट सिल्वरवेयर टू कम टू हिज क्लब. वो सेमीफाइनल्स में हमने देखा, फर्स्ट लेग परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ठीक थी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, बट इट वेंट ऑल रॉन्ग इन द सेकंड लेग. सेकंड लेग में वी सॉ कंप्लीटली अनप्रोफेशनल डिस्प्ले. सेकंड लेग में वी सॉ यू नो मतलब एंड में तो ऐसा हो चुका था कि वो लोग बस मैन सिटी प्लेयर्स को फ्रस्ट्रेशन के आउट ऑफ फाउल कर रहे हैं. मैन सिटी वर पासिंग इट सो फ्लॉलेसली और एकदम एफिशिएंटली, एंड इतना अच्छे से गेम कंट्रोल कर रहे थे. पीएसजी प्लेयर्स लॉस्ट देयर हेड, तो यू नो देयर वाज अ क्लियर. एंड टॉकिंग अबाउट दिस सीजन एज वेल, मुझे एक चीज बता। देखो, यू गॉट इन मेसी, वन ऑफ द गोट्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक दो गोट्स अगर हम कहते हैं तो वन ऑफ द गोट्स। एंड व्हाट हैज ही एक्चुअली अकम्प्लिश्ड? सी, ऑल जोक्स अपार्ट, उसके इस लीग में, इस सीजन लीग में सिर्फ एक गोल है। एंड एक गोला. इट माइट बी ड्यू टू कि उसने मैचेस कम खेले हैं या फिर कुछ भी, बट द क्वालिटी दैट मेसी प्रोवाइड्स यू, उससे यू शुड बी लीडिंग एवरी कॉम्पिटिशन देयर एंड यू शुड बी बिल्डिंग अ टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल देख, मैं बोर्ड को भी ब्लेम करूंगा इसमें कि बोर्ड ने भी उसको वो साइनिंग्स नहीं दी। दे आर रिलाइंग ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस एंड मे बी बोर्ड बस वो अपने हिसाब से क्लब चला रहे हैं। बट जब पोचेटिनो की बात भी करेंगे ना, तो पोचेटिनो ने भी कुछ ऐसा नहीं करा इम्प्रेसिव विद द स्क्वाड ही हैज। चलो ठीक है, उसने उसके पास प्लेयर्स नहीं है जो डिफेंड कर सकते हैं, मतलब फ्रंट थ्री नहीं है जो डिफेंड कर सकती है मेरे हिसाब से, बट यू स्टिल हैव द क्वालिटी टू स्कोर एटलीस्ट फोर टू फाइव गोल्स इन मैचेस जहां यू शुड किल द गेम्स, बट वैसा नहीं हो रहा। एंड फॉर सी, श्योर. इस न्यूज के रिगार्डिंग में तो ये पूछूंगा, एक नया कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ये पक्का है कि रागनिक वोंट स्टे एट यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन? मतलब कुछ एज रिपोर्ट्स थी दैट मैनेजर ही माइट कंटिन्यू या एज मैनेजर, वो एडवाइजरी कुछ रोल. रिपोर्ट्स थी, बट नाउ इट सीम्स कि वो नया मैनेजर ढूंढ रहे हैं। एंड वन थिंग दैट इज सर्टेन इज मैनचेस्टर यूनाइटेड का बोर्ड इज अ फैन ऑफ पोचेटिनो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल हेट दिस अगर वो एरिक टेन हैग की जगह पे पोचेटिनो को लेके आ गए। व्हाट डू यू हैव टू से कि अगर नहीं, डू यू सी द पॉसिबिलिटी कि पोचेटिनो यूनाइटेड आ सकता है या फिर व्हाट डू यू फील? सबसे पॉसिबल और सबसे लाइकली तो यही लग रहा है, बिकॉज एक एंड पे पेरिस सैन जर्मेन में उसका स्टे अच्छा नहीं चल रहा है, एंड दूसरे एंड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बीन लॉन्ग टर्म एडमायरर्स ऑफ मॉरिसियो पोचेटिनो, इसका कोई सीक्रेट है नहीं. एंड यू मेंशन मैन यूनाइटेड फैंस, तो कैसा है कि सी रैगनिक इज नॉट गोना स्टे बियॉन्ड द सीजन, उसका एडवाइजरी रोल होने वाला है. देयर इज गोना बी अ न्यू मैनेजर, अ न्यू परमानेंट मैनेजर. एंड एज गुड एज एरिक टेन हैग इज, अभी तक कुछ ऐसा सिक्योर्ड नहीं है कि ही विल 100% कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. मॉरिसियो पोचेटिनो भी एक ऐसा मैनेजर रहा है कि मैन यूनाइटेड फैंस हैव ऑलवेज डिजायर्ड और वांटेड हिम एट द क्लब सिंस हिज टॉटनम डेज. तो बट इस टाइम पे तुम कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन तुम मुझे मिलवा दे हु विल से कि मुझे पोचेटिनो चाहिए ओवर एरिक टेन हैग।
प्रॉब्ली अभी बिकॉज ऑफ यू कुड से पोचेटिनो का रिसेंट पेरिस सैन जर्मेन स्टिंट, यार नो बट इफ रिसेंट भी लुक नहीं इट इज यार। एक्सप्लॉइट्स इन द प्रीमियर लीग ब्रो, ब्रो तो हाँ टॉटनहम की हाँ टीम देख, ठीक है ठीक है तो ठीक है, टॉटनहम की टीम को उसने आई टेल यू एक्सप्लॉइट्स इन द प्रीमियर लीग भी, उसने स्पर्स के लिए क्या करा, दे डिड नॉट विन द लीग टाइटल। फॉर मी सी विक्ट्रीज कम्स विद ट्रॉफीज राइट, तुम्हारे पास ऐसा भी इतना गंदा स्क्वाड नहीं था। मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, था नहीं लीग टाइटल जीतने का, सो चैलेंजिंग फॉर 2 years इन अ रो 15-16 एंड 16-17 इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ मेरे हिसाब नहीं से। बट डेफिनेटली दे हैव द दे हैड द स्क्वाड टू कि तुम लीग टाइटल जीत सकते हो। एंड चल ठीक है लीग टाइटल नहीं, यू हैड योर एफए कप्स, यू हैव योर कैराबाओ कप्स जो हर साल होते हैं। स्पर्स डिड नॉट विन एनी ऑफ दोस जितना मुझे याद है अंडर पोचेटिनो। यू वेंट इनटू द चैंपियंस लीग फाइनल, क्लॉप शोड यू लेवल्स। सी उस टाइम अगर तुम मुझसे पूछता ना, स्क्वाड में इतना डिफरेंस नहीं था। लुकास मूरा वाज प्लेइंग वेरी गुड, यू हैड हैरी केन इन बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म्स, यू हैड ह्यूमन सॉन्ग। वो फाइनल हैरी केन हारने वाला, तो इंजर्ड था फाइनल के पहले, हैरी केन चल ठीक है वाज हैरी केन इंजर्ड था, बट वो एक गेम जो वो एक्सप्लॉइट हुई ना, इट इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फाइनल्स, चैंपियंस लीग फाइनल्स, बिकॉज लिवरपूल वर विनिंग वन साइडेड। इतना नहीं, टू वो बी तो कोई ऑनेस्ट डाउट देख है ही मैं, नहीं कि वो तो कोई डाउट है ही नहीं कि फाइनल में द परफॉर्मेंस वाज नॉट वेरी गुड, बट देन एट द सेम टाइम रीचिंग अ चैंपियंस लीग फाइनल इज नॉट अ स्मॉल फीट ना, वो चैंपियंस लीग तो फाइनल जीते हैं और फॉर यू एरिक टेन हैग, सॉरी पोचेटिनो ओवर एरिक टेन हैग इन द समर। नहीं, आई वोंट से पोचेटिनो ओवर एरिक टेन हैग बिकॉज आई एम अ बिग एरिक टेन हैग एडमायरर माय सेल्फ, बट पोचेटिनो टू यूनाइटेड वोंट बी बैड मेरे हिसाब से, अच्छा मूव हो सकता है बिकॉज एज आई मेंशन रीचिंग अ चैंपियंस लीग फाइनल कोई छोटी चीज है नहीं। मैनचेस्टर सिटी इतने सालों बाद अपना पहला चैंपियंस लीग फाइनल जीती है, तो और ऐसा नहीं है कि एकदम इजी जीती ड्रॉ था, मैनचेस्टर सिटी जीती है पहुंची है ब्रो, ऐसा पहुंची है, जीती बोल दिया क्या, नहीं जीती थोड़ी ना हाँ यार, पहुंची है इतने सालों बाद अपना पहला चैंपियंस लीग फाइनल पहुंची है, और वो लोग ने अपने रन में भी क्वार्टर फाइनल्स में उन लोग को सिटी मिली थी, सेमीफाइनल्स में आयाक्स हम लोग ने खुद देखा कितनी स्ट्रॉन्ग थी, रियल मैड्रिड को नॉकआउट की थी वो सीजन, कमबैक किया आयाक्स के अगेंस्ट, तो आई वोंट से कि हिज स्टे एट टॉटनहम वाज अनसक्सेसफुल, प्रॉब्ली ट्रॉफी वाइज देखे तो, बट लुक एट द टैलेंट्स ही डेवलप्ड, डेले अली क्या बना चुका था और आज वो क्या बन चुका बट है, इस यूनाइटेड टीम तो को टैलेंट डेवलप मेरे हिसाब से तो नहीं करना। फॉर मी सी आई हैव हर्ड योर ओपिनियन, मेरे हिसाब से तो या इट विल बी कि एरिक टेन हैग मतलब पोचेटिनो को अब ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड चाहेगा, बिकॉज ही इज अ मैनेजर जो मतलब जो बोर्ड बोल देता है वो कर देता है। एरिक दब टेन दब हैग सकता है वो जो मैनेजर हाँ वो सकता है, हाँ रिवोल्टिंग टाइप ऑफ मैनेजर है जिसको चाहिए, एंड ही कैन ओनली ब्रिंग सक्सेस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे हिसाब से। एंड मे बी लाइक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज जो रिसेंटली चल रही है, हमने पढ़ा कि लियान एम्बाप्पे की एक मूव हो चुकी है रियल मैड्रिड, मतलब उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स दैट आर सर्कुलेटिंग। सो व्हाट अबाउट अर्लिंग हालैंड नाउ, हमें एक प्लेयर का पता है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स का पता है, व्हाट अबाउट द सेकेंड वन, नॉट सेकेंड इन एनी क्वालिटी बट मतलब दोनों का, व्हाट अबाउट अर्लिंग हालैंड? थिंक एम्बाप्पे का तो अभी डिस्कशन करना मेरे सबसे वेस्ट है बिकॉज हाँ पता चल गया ब्रो, इट्स मैड्रिड, ही इज मैड्रिड बाउंड, इसका सो कोई व्हाट इज देन हालैंड? देख मैं तुझे तीन ऑप्शंस दे देता हूँ, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, दीज आर द ओनली थ्री डेस्टिनेशंस आई सी ट्रूली। व्हाट इज योर, हु इज द फेवरेट टू साइन हालैंड? तुझे सारी कंडीशंस पता है फाइनेंशियली भी एंड एवरीथिंग। ब्रो, द थिंग इज कि उसने बोल दिया है ना ओपनली कि उसको प्रीमियर लीग नहीं आना है, दैट्स द थिंग, उसने बोला है कि उसको ठीक है प्रीमियर लीग नहीं आना, हु आर द फेवरेट फॉर यू? लग तो बार्सिलोना रही है, बट दैट्स द थिंग ना, इफ मेरे तो दिमाग में पहली चीज जो आती है कि इफ हैलेंड इज गोइंग टू बार्सिलोना तो वो अपने आर्क राइवल से फेस टू फेस तो आएगा ही, व्हिच इज गोना बी किलियान एम्बापे, बट वो एक क्या बोलते हैं इनफीरियर टीम में आएगा, तो Why not इफ alongside him? नहीं ब्रो वो नहीं होने वाला है, मतलब हाईली अनलाइकली, ऑनेस्टली मेरे को सच्ची नहीं लगता वो ऐसा होगा, बिकॉज जितना भी बोल दो दे आर द टू प्लेयर्स, तुम जितना भी इस कॉन्वर्जेशन में फोडेन को लेने की कोशिश करो, मैं कभी पर्सनली इस कॉन्वर्जेशन में माउंट को भी लाने की कोशिश नहीं किया हूँ, इवन दो आई रेट हिम सो सो हाईली, आई थिंक दैट हैलेंड एंड एम्बापे आर अ डिफरेंट टीयर, अ कम्प्लीटली डिफरेंट टीयर, एंड वो बोलते ही है ना मेसी रोनाल्डो कैन नेवर प्ले इन वन टीम, तो टू रियल मैड्रिड आई डोंट थिंक सो, टू चलो ठीक है बार्सिलोना ये विल इट बी, कंपैरिजन तो बहुत ज्यादा हो गए मेसी रोनाल्डो वाले, बट स्टिल हाँ ऑब्वियसली टू बिगेस्ट प्लेयर्स इन द मेकिंग। मे बी सी पहले भी हो रखा है, व्हेन 2000s के एरा में रियल मैड्रिड की टीम वाज स्टार स्टडेड, दे हैड द बेस्ट लाइनअप्स, लाइक आर्सेनल की या इनविंसिबल्स, दे
दे हैड द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इन द सिंगल टीम, यू नेवर नो, एंड पापा पेरेस के सामने नहीं चलती। सिटी का मैं पॉइंट बस ये रखना चाहूंगा कि सिटी के साथ ना मीटिंग्स बहुत चल रही है लापोट ओ लापोटा कह रहा हूँ रायोला की, या रायोला की, तो मे बी सिटी कैन कन्विंस हिम, बिकॉज सी अर्लिंग हालैंड को टाइटल्स कंफर्म हो जाएंगे सिटी आते ही, फॉर एक श्योर स्ट्रैटेजी मिल गएगी, एंड अंडर पेप अगर वो खेल जाए, मेसी स्टार्टेड मतलब मेसी बिकेम द वर्ल्ड बीटर अंडर पेप, यू नेवर या नो, व्हाई नॉट, व्हाई वोंट इट टेम्प्ट हालैंड टू मूव टू सिटी, जस्ट नहीं मे दैट्स द बी थिंग, मैं आज अर्लिंग हैलेंड होता तो आई वुडंट थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग टू मैनचेस्टर सिटी। तुम्हारे स्क्वाड में भी कुछ कंपटीशन है नहीं फॉर दैट पोजीशन, बस अभी वो या स्ट्राइकर आ रहा है, अभी आ रहा है फ्रॉम समर, बट यू नो ही इज गोना प्ले ओवर देयर एज यू सेड, सिल्वरवेयर इज गोना बी गारंटीड, यू आर गोना स्टार्ट योर बिग करियर, मतलब बोरुसिया डॉर्टमुंड भी, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट यू आर गोना स्टार्ट योर प्रॉपर प्रॉपर एलीट करियर अंडर दी एलीट मैनेजर, तो इट लुक्स लाइक ऑल बॉक्सेस टिक्ड फॉर अर्लिंग हैलैंड टू मैनचेस्टर सिटी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट उसने रिपोर्टेडली बोला है कि उसको प्रीमियर लीग में नहीं खेलना, सो दिस इज अ बिग यू नो थिंग दैट कैन अफेक्टेड। लेट्स सी अब हालैंड इसका हालैंड का ट्रांसफर कहाँ होता है, एनीवन वाचिंग द वीडियो प्लीज तुम बताओ व्हाट डू यू थिंक हालैंड कहाँ जाएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड एंडिंग द वीडियो आई विल जस्ट आस्क यू टू टॉक अबाउट डेम्बेले जो उसने पूरा सर्कस करा दिया जनवरी में, एक प्रॉपर सर्कस था वो। लास्ट डे जितनी भी तुम न्यूज पढ़ो वो पीएसजी को ऑफर हुआ, वो चेल्सी को ऑफर हुआ, ही वाज ऑफर टू इवन आर्सेनल, इवन स्पर्स, कौन कौन सा क्लब नहीं रह गया, इवन यूनाइटेड, हर क्लब को तो उसको ऑफर कर दिया गया। व्हाट डू यू थिंक अब समर बट में वो ब्रो कहाँ ये जा रहा है? जो चीज है, ऑफर कर दिया गया और दूसरे साइड से ऑफर आने में बहुत फर्क होता है। मेनी पीपल वर अंडर द इम्प्रेशन कि दोनों साइड से टॉक्स चल रही है, जैसे मैं चेल्सी की बात करूं तो फैब्रिजियो रोमानो ने रिवील किया कि चेल्सी नेवर स्टार्टेड टॉक्स विद उस्मान डेम्बेले, जो लिंक्स आ रहे थे वो फॉर प्योरली जनवरी, फॉर फॉर जनवरी वी नेवर जनवरी, फॉर टॉकिंग। जनवरी हाँ या दैट हाँ वाज एन इंपॉर्टेंट करेक्शन। तो जो भी लिंक्स आ रहे थे वाज ओनली बिकॉज ऑफ थॉमस टुकल्स यू नो एडमिरेशन फॉर द प्लेयर, तो दिस इज अ थिंग चल इफ यू आस्क। चल ठीक है, ऐसे कि या जनवरी हो गई आज, चल हो अब गई तो विंडो इज ओवर राइट, टुडे भी मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ, सी सबसे पहले बार्सा बोर्ड्स वांट कि उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो, लापोटा इज वेरी ओपन इन सेइंग कि हमें नहीं चाहिए डेम्बेले, लेकिन डेम्बेले जा हाँ नहीं रहा, वी ऑल्सो डोंट नो वाई, बट उसने ये भी बोल दिया कि उसके एक अग्रीमेंट ऑलरेडी प्लेस्ड है फॉर अ समर मूव, वो उसने इंग्लिश क्लब भी एक बार बोल दिया, उसने एक नॉर्मल क्लब भी बोल दिया, जितनी मैं रिपोर्ट्स पढ़ पा रहा हूँ, एक सोर्स कहता है कि पीएसजी से उसने डील एग्री कर ली है, एक सोर्स कहता है उसने चेल्सी से डील एग्री कर ली है, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, लाइकलीस्ट डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है डेम्बेले? यार आई होप चेल्सी, बिकॉज मैं इन हिज अबिलिटी रिस्पेक्ट आई एम अ डेम्बेले फैन, बट वो ये जो इल डिसिप्लिन है एंड ये जो, चलो इंजरी तो यू कैन नॉट अफेक्ट, इंजरी कंसर्न तो यू कैन नॉट अफेक्ट एज अ प्लेयर, बट चेल्सी हैव द वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल टीम्स इन द वर्ल्ड, दैट्स नॉट डाउट, बट जो वो जो इल डिसिप्लिन है ना, इफ थॉमस टुकल कैन कीप हिम मोटिवेटेड, इफ ही कैन इफ टुकल कैन कीप हिम डिसिप्लिन, ही कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ हिम, जो आई थिंक ही विल बिकॉज पहले से भी कोच कर चुका है, तो डेम्बेले जितना टैलेंटेड प्लेयर मेरे को स्क्वाड में दिख नहीं रहा है, टैलेंटेड अटैकर तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है, बिकॉज सारे अटैकर्स को मैं इस सीजन देख के ना समझ गया कि एवरीवन हैज गॉट देयर लिमिटेशंस, टीमो वर्नर एट टाइम्स कैन नेवर टेक अ मैन ऑन एक्सेप्ट फॉर नॉकिंग द बॉल एंड ट्राइंग टू चेज द बॉल, सब लोग के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, काई हावर्ड्स एट टाइम्स इतना इजीली फिजिकली बीट हो जाता है, सो दिस इज वन प्लेयर हु ऑफर्स अ डिफरेंट डायमेंशन, ऑफर समथिंग दैट द करंट चेल्सी अटैकर्स आरंट ऑफरिंग, तो आई तो पर्सनली वांट हिम एट चेल्सी। सो यू हैव हर्ड बोथ मी एंड पलाश आर व्यूज ऑन व्हाट वी फील अबाउट द गेम, एंड एंडिंग द वीडियो आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस कि एट द फुटबॉल पार्लियामेंट वी आर ट्राइंग टू चेंज अप थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू पुट पीसेज इन टू जिग्सॉ करेक्टली, प्लीज लेट अस नो हम अपने हर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने चैनल को, यू हैव एनी सजेशंस, योर सजेशंस विल ऑलवेज बी हर्ड इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, डू ट्राई टू एंगेज विद अस, सो प्लीज लेट अस फॉर नो इन श्योर एनी फॉर्म कैसे भैया, हम इम्प्रूव 100% कर सकते हैं। ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आपको हम लोग को डीएम में गाली भी लिखनी है तो वील टेक इट इन अ यू नो विद अ पिंच ऑफ हाँ सॉल्ट, हाँ तो पलश को पलश के यार नाम पे दे देना। वी डेफिनेटली ओपन टू फीडबैक, सो जस्ट मेक श्योर आपके कोई भी थॉट्स है अबाउट अ चैनल, व्हाट वी कैन बी डूइंग बेटर, तो ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट्स एंड लेट अस नो, एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग अस। यस गाइस,
प्लीज वो 700 कर दो, मे बी अभी क्या पता 700 हो गए हो, तो लेट्स गो फॉर दैट 800 वाला गोल, लेट्स ट्राई टू रीच दैट बन एज के सून एज मिलना है पॉसिबल। थोड़ा, इतना चिद्दी नहीं, इंसान छोटे है, छोटे 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 गोल्स रखे, वी विल मूव फॉरवर्ड, लेट्स गेट टू दैट 800 छोटे फर्स्ट। छोटे बस मेडिको के लिए बड़े बड़े स्टेप रख दिया। सो विद दिस थैंक यू सो मच इफ यू आर लिसनिंग टिल हियर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब बटन हिट नहीं करा वो करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो टू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड अ वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस।